हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही कॉमन सी सब्जी की रेसिपी लाई हूँ जो लगभग सर्दियों में सभी के घरों में बनती है, लेकिन सबका बनाने का तरीका अलग होता है। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना तरीका कि मैं किस तरीके से ये सब्जी बनाती हूँ, और आप मेरे तरीके से एक बार सब्जी बनाकर अगर खाएंगे तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या क्या लिया है। तो ये मैंने आलू गाजर मटर की सब्जी आज बनाई है, और उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए 250 ग्राम फ्रेश मटर ली है, आप चाहें तो फ्रोजन भी ले सकते हैं। आधा किलो लिए हैं मैंने गाजर, 2 लिए हैं मैंने हरी मिर्च, ये हरी मिर्च तीखे वाली नहीं है तो इसलिए मैं 2 हरी मिर्च लेती हूँ यहाँ पर। 4 लिए मैंने आलू, यानी कि लगभग आधा किलो। तो ये सारी सब्जियाँ मैंने ले ली हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आलू को अच्छे से छील कर धोने के बाद मोटे मोटे पीस में कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मोटे मोटे पीस आलू के कट कर रही हूँ, आप अपनी पसंद के अनुसार कीजिएगा जैसे आपको पसंद हो। तो आलू हमारे कट गए हैं, अब गाजर छील लेते हैं सबसे पहले, और छीलने के बाद अच्छे से धो के इनके मैं स्लाइस काट लूँगी। तो ये देखिए सारी गाजर मैंने छील ली है, इस तरीके से मैं इनके गोल स्लाइस काट रही हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद के अनुसार इनके पीस कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मटर को छील लिया है, देखिए कितने फ्रेश और कितनी अच्छी मटर आ रही है। हरी मिर्च को मैंने बीच से 2 पार्ट में काट लिया, मैंने ले लिया अदरक का छोटा सा टुकड़ा लंबे लंबे पीस में काट के। यहाँ पर मैं एक बड़े साइज़ का टमाटर ले रही हूँ, और टमाटर को भी बिल्कुल छोटे छोटे पीस में कट कर लूँगी। देखिए आज मैं सब्जी बनाने का ये तरीका आपको बताऊँगी कि टमाटर डालने से भी बिल्कुल भी सब्जी चिपचिपी नहीं होगी, खिली खिली सब्जी बनेगी और खाने में बहुत ही बढ़िया खट्टी मीठी सी टेस्ट वाली लगेगी। टमाटर खट्टा, गाजर मीठी, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है सब्जी में। तो यहाँ पर मैंने ले ली हैवी थली की कढ़ाई, उसमें चढ़ा लिया सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद डाल दिया इसमें जीरा, थोड़ी सी डाल दूंगी मेथी दाना। देखिए आलू गाजर मटर की सब्जी अगर आप कभी भी फ्राई करें तो मेथी दाना ज़रूर डालिए, क्योंकि इन सब्जियों का तासीर ठंडा होता है और मेथी दाना गर्म होता है, तो उससे ये सब्जी बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया आलू, और आलू को डालने के बाद अच्छे से चलाते हुए गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए आलू को पकने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए हम सबसे पहले आलू को अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा नमक, नमक से हमारे आलू जल्दी पक जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं डाला है मैंने यहाँ पर, सिर्फ आलू को पकाने के लिए नमक डाला है, बाकी नमक हम बाद में मसालों के साथ ऐड करेंगे। देखिए सूखी सब्जियों में मैं लहसुन प्याज बहुत ही कम यूज करती हूँ, बिना लहसुन प्याज के भी सूखी सब्जी खाने में बहुत ही अच्छी बन जाती है, टेस्टी बन जाती है, तो मैं लहसुन प्याज यहाँ पर बहुत ही कम यूज करती हूँ। तो ये देखिए आलू हमारे गोल्डन हो गए हैं, हल्के से गोल्डन कोटिंग इनमें हो गई, तो इनमें डाल देंगे हम अपने मसाले। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और नमक डाल दिया, 1 चम्मच डाल दिए हल्दी, थोड़ी सी डाल दी कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच डाल दूंगी धनिया पाउडर, सूखी सब्जी में धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, और थोड़ी सी डाल दूंगी हींग। हींग डालने के बाद अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और मसाले को भून लेंगे, और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम अपना कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। तो यहाँ पर ये मैंने डाल दिया कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च, इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी मटर। देखिए यहाँ पर मैंने फ्रेश मटर लिया है, तो फ्रेश मटर को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फ्रोजन मटर जल्दी पक जाती है, तो इसलिए हम उसे सबसे बाद में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेश मटर है, तो ये मैंने आलू के साथ ऐड करी है, और इसे 2 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। देखिए मटर भी हमारे अच्छे से भून गई है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी गाजर। गाजर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, गाजर तो हल्की सी भाप से ही पक जाती हैं, तो इसलिए गाजर हमने सबसे लास्ट में ऐड की है। अभी चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे, और कुछ टाइम के लिए इसे ढककर रख देंगे बिल्कुल धीमी आंच पर। देखिए सूखी सब्जी कभी भी बनाइए, कोई भी सब्जी बनाइए, एक तो आप हैवी थली की कढ़ाई में बनाइए, और दूसरा उसे बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर बनाइए, तो उसका पूरा टेस्ट तभी आता है, क्योंकि तेज आंच पर सब्जी अच्छे से नहीं बन पाती है,
और वो कढ़ाई की थली में चिपक जाती है, उसके मसाले जल जाते हैं, तो फ्लेवर सब्जी में अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने सब्जी को ढक दिया है। अब ये देखिए, अब हम सब्जी को चेक कर लेंगे। जब सब्जी हमारी हल्की सी पक जाएगी तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए गाजर मटर हमारे अच्छे से पक गए हैं, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। देखिए टमाटर सबसे लास्ट में सब्जी को पकने के बाद इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि टमाटर खट्टा होता है, तो इससे सब्जी जब हम ड्राई सब्जी बिना पानी के बनाते हैं तो अच्छे से पक नहीं पाती है। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच डाल दिया है कसूरी मेथी। देखिए कसूरी मेथी सबसे लास्ट में डालते हैं जब, तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और कसूरी मेथी आप ज़रूर डालिए आलू गाजर मटर की सब्ज़ी में। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और दूसरा आलू गाजर मटर की जो सब्ज़ी होती है, गाजर और मटर का तासीर होता है ठंडा, तो कुछ लोगों को ये नुकसान देती है। तो जब आप इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे तो ये नुकसान नहीं देगी और बहुत ही अच्छी फ़ायदेमंद सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है। सबसे लास्ट में डाल देंगे इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे गरम मसाला। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में डाल देंगे हम बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया। देखिए इन दिनों में हरा धनिया खूब आता है, तो हरा धनिया के बिना तो आलू की कोई भी सब्जी हो, चाहे सूखी हो चाहे ग्रेवी वाली, वो अधूरी ही रहती है। तो हरा धनिया डालने से सब्जी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो भाई हमारी गर्मा गर्म सब्जी आलू गाजर मटर की तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और खाने में भी बहुत ही अच्छी बनी है ये। आप सभी भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाली रेसिपी। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्जी पर और एकदम खिली खिली बनी है। आप सभी को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।